अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 68,500 शिक्षक भर्ती अपडेट। तो दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, लो आ गई बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सरकार का क्या है बड़ा फैसला, आइए देखते हैं। यूपी कैबिनेट के फैसला, अब शिक्षक बनने को ग्रेजुएशन में लाने होंगे 50% अंक। देखे और किन किन प्रस्ताव पर लगी मुहर। जी हाँ दोस्तों, इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो दोस्तों आपको ग्रेजुएशन में लाने होंगे कम से कम 50% अंक। जी हाँ दोस्तों, जो आप बीएससी बीए बीटेक कुछ भी करते हैं तो आपको दोस्तों ग्रेजुएशन में 50% अंक लाने जरूरी हो चुके हैं। तो दोस्तों पूरी अपडेट इसको देखते हैं। पहले समय की बड़ी अपडेट है और कि यूपी की योगी सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में 34 फैसलों पर मुहर लगाई है। आज की बैठक में तय हुआ कि शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को नौकरी पाने के लिए अब स्नातक में न्यूनतम कम से कम 50% अंक अनिवार्य होंगे। अभी तक ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी। इन भर्तियों से संबंधित कई फैसले आए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट है। अगर आप लोग के कोई दोस्त ऐसे हैं जिनके 50% से कम अंक है तो फिर वो आप टीचर नहीं बन पाएंगे। तो अगर कोई स्पेशल कैटेगरी वाइज आरक्षण की दोस्तों बात आएगी तो उसको अपडेट कर देंगे। तो फिलहाल दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करके बता दीजिए कि आने वाले शिक्षक भर्ती में ये दोस्तों नियम लागू हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के और तमाम अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों कल से आपकी सुनवाई शुरू होने वाली। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कल दोपहर 3:15 से आपकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। केस का सुनवाई का दोस्तों समय यही है और हो सकता है केस अगर उससे पहले या उससे बाद में शुरू होगा तो हम आपको अपडेट करके बता देंगे। फिलहाल दोस्तों आपका जो समय एक्सपेक्टेड है वो दोपहर 3:15 से आपके जस्ट आपको पता है पंकज कुमार जायसवाल जी और माननीय इरशाद अली जी रहेंगे। और दोस्तों देखिए, सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर कब तक रिजर्व होगा। 68,500 शिक्षक भर्ती का दोस्तों ऑर्डर आपका रिजर्व हो चुका है, तो उसको लेकर बच्चों में काफी उत्साह है। और दोस्तों बात हो रही है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामला क्या है उम्मीद। दोस्तों एक बात हम आपको अपडेट कर दें कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में 40-45 की जीत के आसार लगेंगे, ठीक है, तो दोस्तों हो सकता है कि यार 68,500 में भी 30-33 की जीत के आसार बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर एक शिक्षक भर्ती में जैसे कटाफ अगर डाउन होती, जैसे सरकार ने कहा था भाई 60-65 की बात कही थी, अगर उसको डाउन किया जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती में भी आपकी कटाफ 30-33 हो सकती है। ये एक बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। और दोस्तों आपको पता होगा कि आपके जो सीनियर टीचर्स हैं, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की वर्ष 2019-20 हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट ये भी है। तो ये तो आप पहले सुन चुके होंगे, आज सुबह से भाई काफी चर्चा हो रही है इस बात को लेकर। तो ये भी दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। तो अब देखते हैं दोस्तों होगा क्या। देखिए आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे कि अब क्या होगा, कि जो काफी समय देखिए बड़ी बड़ी अपडेटें आ रही हैं टीचर्स को लेकर, क्योंकि देखिए हम ही लोग भाई टीचिंग लाइन से हैं तो हमें टीचिंग का देखना है कि आगे चलकर हमें नौकरी कैसे मिलेगी। अब दोस्तों बात करेंगे पहले कि कल क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कल किस पर बात होगी, क्या बीएड मुद्दे पर ही बात होगी। तो दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, शुरू से लेकर आप लोग अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों एक एक करके मामलों को हम जानेंगे, क्या क्या मामला है, क्या कैसे हो रहा है, क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आगे चलकर अगर कभी आपको ट्रांसफर कराना होगा कि चलिए, देखिए सबको एक बात तो क्लियर है, 68,500 में फिलहाल ट्रांसफर नहीं है, सबको पता है। लेकिन दोस्तों ये बच्चे भी म्यूचुअल का सहारा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जो टाइम पीरियड अगर वो कंप्लीट हो जाता तो आपको पास म्यूचुअल का एक सहारा होगा। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों क्या होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिए होगा कुछ ऐसा कि आपका नौकरी तो दूर ही लगने वाली, सबको पता है कि भाई किसी को घर पर नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तब तो भूल जाइए कि घर पर नौकरी पाना। अगर नौकरी पाना तो दोस्तों आपकी कटाप कम से कम नहीं तो 75+ से ऊपर गुणांक होना चाहिए, तब आपको अपने घर पर नौकरी मिल पाएगी, नहीं तो भूल जाइए कि आपको अपने घर पर मिलेगी। हाँ मिलेगी नौकरी जरूर, लेकिन दूर मिलेगी। तो आपको आने वाले टाइम में क्या जरूरतें होंगी, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, देखिए इसको समझ जाइए पहले, क्योंकि भाई उससे आप लोग कुछ फायदा उठा लीजिएगा। जैसे उसमें बोला गया था कि जो आपका ट्रांसफर नीति आई है, ट्रांसफर कैसे होगा, अगर आप राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं तो आपको 5 अंक की वरीयता मिलेगी। जैसे आपका 12 अंक नहीं मिल रहा 69,000 में, 25 अंकों का, 69 क्या 68,500 में भी मिला शिक्षा मित्रों को 25 अंक का 12 अंक। तो दोस्तों ये आपका एक तरह से 12 अंक ही है जो आप देख रहे हैं। अगर आप लोग राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षक प्राप्त हैं तो 5 अंक आपको फ्री के, अगर स्टेट लेवल पर या राज्य सरकार द्वारा दोस्तों पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है तो 3 अंक आपको मिलेंगे। तो अगर आपको दोनों जगह से पुरस्कार मिला है तो भाई 5, 3, 8 अंक हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या क्या है, देखिए जितने साल आप लोग भाई काम कर चुके रहेंगे, नौकरी किए रहेंगे, अगर 10 साल काम किए तो आपको 10 अंक, लेकिन दोस्तों आपको मैक्सिमम अंक मिलेंगे 35। उसके बाद दोस्तों क्या है,
खुद या जीवन साथी या बच्चे की दिव्यांगता के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो मतलब साहब दोस्तों, कोई भी अगर आपके घर में विकलांग है तो आपको दोस्तों 10 अंकों का फायदा मिलेगा, ठीक है ना। या तो अगर आप खुद विकलांग है या फिजिकल हैंडीकैप या कोई और, बच्चे के लिए भी दोस्तों बोला गया कि बच्चे अभी कुछ दिक्कत है तो आपको 10 अंक की छूट और मिलेगी। तो ये आपके दोस्तों पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों क्या बोला गया, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, खुद या जीवन साथी या बच्चे के असाध्य रोग के लिए। तो मतलब दोस्तों साहब है कि जैसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे कि कैंसर वैंसर टाइप का दोस्तों, या कुछ बड़ी बीमारी होगी, तो दोस्तों आपको 10 अंक का दोस्तों यहाँ पर और आपको छूट मिलेगी। अगर हाँ लड़की हैं आप, महिला शिक्षक हो, तो 5 अंक तो आपको फ्री है भाई। लड़की होने का 5 अंक मिल जाएगा, कि लड़कों होने का कोई अंक नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों पति पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने की स्थिति में 10 अंक। तो अगर आप एक टीचर लड़के हैं तो भाई लड़की को टीचर ही ढूंढिएगा, ठीक है ना। जब लास्ट टाइम आपको ट्रांसफर कराना हो थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि अगर दोनों लोग सरकारी रहेंगे तो आपको ट्रांसफर आसानी से होगा। लेकिन देखिए यहाँ बात सिर्फ टीचर के लिए नहीं है, सरकारी किसी भी संस्था में होनी चाहिए, तो आपको 10 अंक का यहाँ पर छूट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट आपका रहा कि एकल माता पिता या विधवा विदुर होने पर 5 अंक आपको और मिलेंगे। तो इस आधार पर दोस्तों आप लोग जब फ्यूचर में नौकरी पाएंगे तो इसके आधार पर आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, ठीक है। तो अब उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि यार 30-33 मामला, 40-45 मामला और 60-65, तीनों बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, 30-33 हो जाए तब तो आपकी भाई सबकी मतलब एक तरह से जीत हो जाएगी। 30-33 होने से दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे जितने खुश होंगे ना, उसने तो 68,500 के नहीं होंगे। रीजन क्या है कि इधर आपके दोस्तों लगभग 23,000 सीटें खाली है, 23,000 से थोड़े ज्यादा ही है। तो 23,000 बच्चे दोस्तों, जो 68,500 में बच्चे जो इन्वॉल्व है वो 69,000 में भी सेम टू सेम है। तो जितने अधिकांश शिक्षा मित्र अगर इधर 68,500 में नौकरी ले लेंगे तो 69,000 के लिए वो सीटें छोड़ कर जाएंगे। अगर इन केस आगे चलकर 40-45 की ही जीत होती है तो 69,000 में काफी बच्चों को ऐसी नौकरियां मिल जाएंगी। देखिए होगा क्या ना कि आपकी जो वैकेंसी का बंटवारा होगा, ये दोनों शिक्षक भर्ती के बच्चे आपस में मिलकर बांट लेंगे तो इनको फायदा होगा, नहीं तो क्या होगा, जो सीटें रिक्त रहेंगी, जैसे आप ये देख रहे हैं 23,000 सीटें रिक्त हैं। अगर 60-65 पर दोस्तों भर्ती हो जाती है 69,000 में भी, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सीटें रिक्त रह जाएंगी, आपको पता ही 69,000 में, तो यहाँ पर भी सीटें खाली रहेंगी। तो उसके बाद होगा क्या, एक नई शिक्षक भर्ती आएगी, न्यू वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, और न्यू वैकेंसी का आपको रूल पता है यार कितना गंदा वाला रूल है, कि मतलब आप पहले अस्थायी तौर पर काम करेंगे, उसके बाद एनटीए का पेपर देना होगा, पता नहीं क्या क्या करना होगा उसके बाद। तो मतलब बहुत ही ज्यादा आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो कोशिश करिए दोस्तों कि आप लोग इधर नौकरी मिल जाए तो बेटर है, आगे का मत सोचिए कि यार आगे चलकर क्या होगा। तो जितनी जल्द से जल्द आपको नौकरी मिल जाए वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो क्या क्या दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले थे कि कब तक आपका ऑर्डर रिजर्व हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का देखिए आपका फिलहाल जो केस है ना वो कछुए की चाल से चल रहा है, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, लेकिन हाँ स्पीड काफी कम है। बात क्या है दोस्तों कि आपको एक तो समय कम मिल रहा है और मामला आपको उठ रहा है बीएड का। आपको पता है यार हमें तो बीएड से मतलब ही नहीं, हमें मतलब आपके कट ऑफ को लेकर है कि फाइनल कट ऑफ आखिर क्या होगी। सभी बच्चों के मन में एक ही डाउट आ रहा है, फाइनल कट ऑफ, फाइनल फाइनल और फाइनल, लेकिन फाइनल कट ऑफ को लेकर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो बात तो बीएड को लेकर कर रहा है। तो बीएड पर फैसला आ जाएगा, फैसला तो सबको कट ऑफ को लेकर चाहिए ना कि हमारी फाइनल कट ऑफ क्या होगी, ये बात आप समझ रहे हैं। तो अभी समय लगेगा, उम्मीद कर रहे थे दोस्तों कि हम लोग यार इसी हफ्ते तक आपका ऑर्डर रिजर्व हो जाए, लेकिन जो स्पीड लग रही है तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल है आपका इस हफ्ते तक आपका केस का ऑर्डर रिजर्व होना। समय लगेगा लेकिन ऑर्डर आपका रिजर्व जरूर होगा, ठीक है, उसको लेकर आप परेशान मत होइए। लेकिन दोस्तों एक और आपका जो बड़ी अपडेट आ गई आज वाली, कि भाई 50% अंक लाना जरूरी है। अब जिन बच्चों के 50% तक कम है उनका क्या होगा, काफी बच्चे ऐसे होते हैं ग्रेजुएशन में, होता है क्या, काफी बच्चे तो इस बार ऐसे ही एडमिशन ले रहे थे, 49.9 हो गया वो बाहर हो गए। अब देखिए दोस्तों जब से ऑनलाइन वाला जमाना आ गया ना, जैसे आप लोग फीडिंग करेंगे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अगर आपका ये लिखा है ना 49.999 तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो यार ये 9 इधर आता तो ये 50 कर देता, लेकिन ऐसा ऑनलाइन वाला भाई सिस्टम नहीं कर पाएगा, जितने हैं उतने ही बोलेगा वो, एक भी नंबर की छूट वो नहीं देगा। तो अब आपको वही जाना पड़ेगा जहां से आपने ग्रेजुएशन किया था, कहा पड़ेगा यार कि यार तुमने एक नंबर मेरे प्रैक्टिकल में काट लिए। प्रैक्टिकल में दोस्तों अधिकतर बच्चों के नंबर कम होते हैं, तो वही से आपको नुकसान होगा। तो एक ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, और आपको अपने दोस्तों तक बतानी चाहिए कि यार ऐसा हो गया है। तो अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों जरूर उनको बताइएगा, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप इस बात को शेयर भी करिएगा, बताइएगा यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। तो बात रही कल की सुनवाई के दोस्तों, तो उसको लेकर आप लोग परेशान मत होइए, जैसे कल आपका कोर्ट लाइव होगा तो हम आपको लाइव अपडेट देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग तो हर बार लाइव अपडेट पाते हैं, तो हमने जो वेबसाइट का आपको लिंक दे देते हैं कमेंट बॉक्स में, उस लिंक के माध्यम से दोस्तों आप लोग लाइव अपडेट को एक्सेस कर पाते हैं, हर सेकंड की अपडेट, पल पल की क्या हो रहा कोर्ट में।
तो वो दोस्तों ज्यादा बेटर होता है। हमने सोचा कि यार वीडियो बना के भी इस बार कुछ नया करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग की ऑन डिमांड रही तो आपको वीडियो के माध्यम से लाइव अपडेट मिलेगी, नहीं तो दोस्तों आपके लिए वेबसाइट की भाई इंतजाम कर देंगे, आप लोग वेबसाइट के माध्यम से भी लाइव अपडेट पा सकेंगे। खाली वेबसाइट को रिफ्रेश करते रहेंगे दोस्तों, आप लोग अपडेट आपको मिलती रहेगी पल पल की। तो चलिए दोस्तों अभी हम आपको फिलहाल लिंक दे देंगे, उस लिंक को ओपन करके देख लीजिएगा कल के लिए दोस्तों, उसमें तैयारी कर दी गई है। तो कल से आपकी लाइव अपडेट सेशन शुरू हो जाएगा 2:15, टाइम याद रखना है, और दिन में भी एक दो बार एक्सेस कर लीजिएगा दोस्तों। अगर कुछ भी टाइम में फेर बदल होता है, मतलब ऊपर नीचे कुछ भी होगा तो मैं आपको बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आपको इसको लेकर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसकी जो विस्तृत जानकारी है उसको हम बहुत जल्द आपको अपडेट करेंगे कि यार सरकार ने जो ये बड़ा अपडेट फैसला लिया है, कहाँ तक ये कहाँ कहाँ पर ये मतलब वर्क होगा, कहाँ कहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी, और कौन कौन से शिक्षक भर्ती इससे प्रभावित होंगे। तो उसकी प्रॉपर अपडेट दोस्तों हम आपको जल्दी से जल्दी देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चलिए ठीक है, तो फिलहाल अब रात हो चुकी है दोस्तों, तो फिलहाल अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, और कल मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।